फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका मेरे कॉप वीडियो में दोस्तों। और आपको बता दें कि बहुत दिनों बाद मैं फिर से ब्लॉग बनाने के लिए निकला हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे ब्लॉग बनाए हुए। फिलहाल मैं भी आपको बता दें कि हम हैं अभी पाटलिपुत्र स्टेशन पे। जी हाँ फ्रेंड्स, पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पे अभी हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और न्यू जर्नी जो कि हमारा होने वाला है पटना से अयोध्या नगरी के लिए, अयोध्या जंक्शन के लिए। अयोध्या जी कर लीजिए, श्री प्रभु राम भगवान का जन्मस्थल कर लीजिए, वहाँ के लिए हमारा जर्नी होने वाला है। तो अभी हम लोग स्टेशन पे आ गए। हमारा जो ट्रेन है वो है 7:40 पर, ठीक है, पाटलिपुत्र जंक्शन से। ठीक है, यह साप्ताहिक ट्रेन है। एक्चुअली वीक में सिर्फ एक दिन चलता है, आई थिंक आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन ये ट्रेन चलती है। और कल हम लोग मॉर्निंग में सुबह लगभग 5:30 के आसपास इसको वहाँ पहुँचाना है, ऐसा कुछ टाइमिंग है। बाकी देखते हैं पहुँचाता कब है। ठीक है, पाटलिपुत्र स्टेशन पर एक्चुअली आपको टोटल 5 प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे और जो हमारा ट्रेन है ना जो कि पाटलिपुत्र से अयोध्या जाती है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगी है, 4 पे आती है और एक प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ 5 बस। तो फ्रेंड्स, इधर हमारा गोमती नगर सुपर फास्ट ट्रेन है वो आकर स्टेशन पर लग गया है। और इस साइड आपको बता दें कि ये पाटलिपुत्र है जो कि दीघा से आपको चला जाता है खगौल के पास, ये उतर जाता है खगौल चक के पास, ये उतर जाता है, पुल ड्रॉप हो जाता है और यहाँ पे पाटलिपुत्र स्टेशन है आपका। यहाँ से सप्ताह में एक दिन यह ट्रेन चलती है, फ्राइडे को चलती है सिर्फ। गोमती नगर सुपर फास्ट ट्रेन है और ट्रेन नंबर है आपको बता देते हैं 03219। ट्रेन नंबर है 03219। आपका टाइमिंग इसका बता दें कि शाम के 7:40 पर यह ट्रेन पाटलिपुत्र जंक्शन से खुलती है और आपका अयोध्या सुबह 5:30 पहुंचा देती है। तो फिलहाल हम लोग ट्रेन पे भी चढ़ गए हैं और हमारा जो कोच है वो S5 सीट नंबर 23 और 24। हमारे साथ एक और भैया धीरज भैया जिनका इंट्रोडक्शन मैं थोड़ी देर में आपको करवाने वाला हूँ। हम लोग दोनों ट्रेन पर चढ़ गए हैं और थोड़ी देर में बस 5 मिनट और बचा है, 5 मिनट जो हमारी ट्रेन है वो यहाँ से खुलने वाली है। 8:15 पर फाइनली ट्रेन खुल गई है, लेकिन एक्चुअली यह 30 मिनट लेट खुली है दोस्तों। जी हाँ, 30 मिनट लेट खुली है, 7:40 में इसका ट्रेन तक खुलने का टाइमिंग था सॉरी, लेकिन 8:15 पर यह खुली है। अभी हम लोग सोनपुर के करीब पहुंचने वाला है, ठीक है, सोनपुर स्टेशन जो है पहुंचने वाला है। और सोनपुर से पहले देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्क खुला है। फाइनली दोस्तों 10:30 पर हम लोग पहुँच गए मुजफ्फरपुर जंक्शन। फाइनली अभी सुबह के 6 बज गए हैं और हम लोग अभी गोरखपुर जंक्शन पहुंचने वाले हैं। बस 2 मिनट में गोरखपुर जंक्शन पहुंच जाएंगे, लेकिन सुबह 6 बज गया, लगभग आधा घंटा हम लोग ऑलरेडी लेट है यहाँ से। और जो अयोध्या बजने का टाइमिंग जो आप बता रहे हैं ना वो 9 बजे का बता रहा है, तो भाई साहब समझ लो कि लगभग 4 घंटा ट्रेन लेट चल रहा है। ये हम लोग पहुँच गए अभी गोरखपुर जंक्शन। ट्रेन बज के 30 मिनट हो गए हैं और हम लोग अभी पहुंच गए मनकापुर जंक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये अयोध्या से एक जंक्शन पहले पड़ता है मनकापुर जंक्शन, इसके बाद जो हमारा ट्रेन का डायरेक्ट जो लास्ट स्टॉपेज है वो है हमारा अयोध्या जंक्शन। उससे पहले मनकापुर जंक्शन अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। 9:30 बज चुके हैं, 10 बजे अयोध्या जंक्शन पहुँचाना है इस ट्रेन को। लगभग 4 घंटा दोस्तों लेट है यह ट्रेन। तो अभी हम पहुंच गए मनकापुर जंक्शन और अभी बजे हैं 9:30, ठीक है, और 10 बजे हम लोग पहुंचेंगे अयोध्या जंक्शन। तो 4 घंटे लेट हो गई है ट्रेन, फिर भी कोई बात नहीं, ये लास्ट स्टॉपेज है, इसके बाद डायरेक्ट हम अयोध्या जंक्शन ट्रेन रुकेगी। मनकापुर लास्ट स्टॉपेज था, इसके बाद डायरेक्ट अयोध्या जंक्शन। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग उतर गए हैं अयोध्या जंक्शन पे। ये मेरा ट्रेन था जो कि काफी लेट पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा मूड खराब कर दिया, लगभग 11 बज गए अभी, 11 बजे के आसपास अयोध्या में पहुंचाया। फाइनली हम लोग चलिए पहुंच गए अयोध्या जंक्शन और आपको पीछे में दिखा दें वो नया वाला जंक्शन जो बन रहा है, नया वाला स्टेशन प्लेटफॉर्म जो बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य बन रहा है। अभी उसको हम चलेंगे नज़दीक से, उसको एक्सप्लोर करेंगे, बाकी सब कुछ आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा यहाँ से एग्जिट होने का रास्ता वगैरह ढूंढ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे अपने रूम पे। मेरा गांव का एक फ्रेंड है जो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से रहता है, उसके रूम पे जाएंगे, वहाँ पे फ्रेश वगैरह होंगे, तैयार रहेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ का टूर करने घूमने के लिए अयोध्या में। फिलहाल इस वीडियो में साथ देने के लिए मेरे साथ इस टूर में साथ हैं धीरज भैया,
नीरज भैया कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग आ गए ना, पूरा अयोध्या घूमना ना है। क्या क्या देखेंगे हम लोग? सब कुछ देखेंगे जो यहाँ पर अच्छा होगा। अच्छा होगा, चलिए तो हम लोग देखते हैं। पहले तो वहाँ पे डेरा पे चलेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद हम लोग और सर्च करेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है। उसके बाद हम लोग जैसे जैसे चलेंगे वैसे आप लोग को दिखाएंगे।